बासी खाना खिलाने वाली नई बहू। आलोकनाथ जी का पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है। कविता भाभी, नाश्ते में और कितनी देर लगेगी? भूख के मारे चूहे पेट में पिट्ठूग्राम खेल रहे हैं। आजकल के बच्चों के पेट में भूख से चूहे खेल खेलते हैं, वरना हमारे जमाने में तो भूख से पेट में चूहे दौड़ा करते थे। हंसी मजाक चल रहा होता है, तभी कविता खाना लगाती है। वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बनाया है? मैंने बनाया है पापा जी के मन पसंद पूरी कचौड़ी, तुम्हारे फेवरेट दाल मखनी और माँ जी के लिए मूंग दाल का हलवा और छोले। सभी खुश होकर खाना खाने लगते हैं और आरव कहता है, वाह भाभी, क्या गजब के छोले पूरी बनाए हैं। भैया, यू आर द लकी मैन जो आपकी शादी भाभी से हुई। माँ जी, देवर जी की भी शादी करा दीजिए। बड़ी बहू की बात में दम है निर्मला जी, मैं कल ही पंडित जी से रिश्ते देखने को बोल देता हूँ। पिताजी, वो मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। बड़ी धूमधाम से आरव प्रिया की शादी हो जाती है। आओ प्रिया बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। ये माँ जी हैं, यानी तुम्हारी दादी सास, पैर छुओ। प्रणाम दादी माँ। खूब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे निर्मला, ये तो एकदम मरी पड़ी है, ये क्या संभालेगी रसोई की जिम्मेदारी? संभाल लेगी माँ जी, जाओ बहू आराम कर लो, कल इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, बहुत सी रस्में भी हैं। जी सासू माँ। ओ गॉड, ये दादी माँ पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है, एकदम लोहे जैसा हाथ है, मेरे बैक बोन की बैंड बजा दी। अगली सुबह बहू मजे से बिस्तर में पड़ी होती है, तभी आरव रजाई खींच कर कहता है, प्रिया जल्दी से उठ जाओ, वरना अगर दादी माँ ने तुम्हें अभी तक सोते देख लिया ना, फिर तुम्हारी तो क्लास लगेगी, साथ में मेरी भी बैंड बजेगी। प्रिया रेडी होकर रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या बात है, अभी तक नाश्ता नहीं बना? नो कॉफी एंड टी? भाभी, खाना तो आप बनाओगी ना, आज आपकी पहली रसोई जो है। मैं? क्या हुआ, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता प्रिया बहू? नहीं तो मम्मी जी, आता है ना, मुझे सब कुछ बनाने आता है, छोले पूरी, दाल चावल, राजमा चावल, ढोकला, खाकड़ा, फेफड़ा। ओ शिट, ये क्या बोल दिया, मुझे सब बनाने आता है, मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो फिर ठीक है, आज के लिए तुम छोले पूरी, मीठे में हलवा, खीर और गुलाब जामुन बनाना। अपने मुंह से अपनी तारीफ करके प्रिया अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाती है और सर पकड़ कर कहती है, प्रिया आज तो तू बुरी फंस गई, क्या करूं क्या करूं। फिर जैसे ही वह फ्रिज खोलती है, उसमें शादी के बैंक्वेट हॉल में से बचा हुआ बासी खाना रखा होता है। एक काम करती हूँ, फटाफट ये बासी खाना गर्म करके सभी को परोस देती हूँ। थोड़ी देर में वह मेज पर खाना लगा देती है। मम्मी जी, पापा जी, खाइए ना, ये सारा खाना मैंने बनाया है। पर प्रिया बहू, ये तो शादी का बचा हुआ बासी खाना है। वो क्या है ना सासू माँ, मैं तो खाना बनाने ही जा रही थी, मगर फिर ये बासी खाना फेंकना पड़ता। सोचिए माँ जी, सोचिए, एक गरीब को दो वक्त की रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, खाने का एक एक दाना कीमती है। बहू की नौटंकी बाजी में आके बेचारे ससुराल वाले बासी खाना खाते हैं। तभी चंचल मुंह मोड़कर खाते हुए बोलती है, सोचा था भाभी के हाथों से ताजा टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, मगर यहाँ तो बासी खाना चरना पड़ रहा है। उस दिन दोनों वक्त ससुराल वाले शादी का बचा बासी खाना खाकर खत्म करते हैं। अगली सुबह, माँ जी, माँ का फोन आया था, वो पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है। कविता बहू, तू चली जा, वैसे भी अब यहाँ रसोई संभालने के लिए छोटी बहू है ही। कविता महीने भर के लिए मायके चली जाती है। प्रिया बहू, जल्दी से खाना बना दो, सभी को भूख लगी है। जी माँ जी, बनाती हूँ। प्रिया रसोई में आती है। एक काम करती हूँ, कुकर में दाल चावल चढ़ाकर सीटी लगा देती हूँ। आलस के चलते बहू ढेर सारे दाल चावल बना देती है और वहीं दो दिनों तक बासी करके ससुराल वालों को खिलाती है। प्रिया की लत इतनी बिगड़ जाती है कि कभी हफ्ते भर पुरानी सब्जी तो कभी कई दिन पुरानी बची रोटी चावल वो सबको खिलाती थी और बासी खाने का ये भंडार निकलता उसके फ्रिज के खादान से। प्रिया, खाना बन गया हो तो लगा दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी जी, लगाती हूँ, पर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं।
फ्रिज में जो 2 दिन पुरानी चावल दाल रखी है वही दे देती हूँ। इस तरह से एक बार फिर बहू अपने ससुराल वालों को 2 दिन का पुराना बासी दाल चावल परोसती है, जिसे सभी उसे सुनाने लगते हैं। क्यों बहू रानी, तेरे हाथ पांव नहीं चलते क्या, जो एक वक्त का खाना हमें 2-2 दिन तक बासी करके खिलाती है। अरे गाय भैंस को भी रोज खाने में ताजा हरा चारा मिलता है, मगर हमें रोज बस बासी खाना। दादी माँ एकदम ठीक कह रही हैं। अपने घर के फ्रिज को तो जैसे बासी खाने का गोदाम बना कर रख दिया है। कभी हफ्ते भर पुरानी सब्जी, कभी रोटी, और आज ये 2 दिन का बचा बासी दाल चावल। भाभी पिछले 2 दिन से हमें ये पुराने दाल चावल डाल रही हो क्यों? नाना जी, दाल चावल तो डाल रही हूँ, तुम तो ऐसे टेढ़े मुंह बना रही हो जैसे मैं तुम्हारे आगे रूखी सूखी घास डाल रही हूँ। मगर बहू, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ रोज रोज बासी खाना खिलाने का। जा जाकर हम सभी के लिए ताजा खाना बना। मेरे लिए तू 2-4 गर्मा गर्म रोटियां सेक देना बहू, ऐसा लग रहा है जैसे जमाना हो गया ताजी रोटी खाए हुए। इसी के साथ प्रिया घमंड से बोलती है, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली, जिसे खाना यही खाओ। भाभी, आप इतना खाना बनाती क्यों हो कि हमें उसे बासी खाना पड़े? ननद जी, खुद तो बैठी बैठी ऑर्डर देती रहती हो, कभी खुद से क्यों नहीं बनाकर खिलाती? और दादी माँ, आप क्या करेंगे ताजा खाना खाकर, 75 साल की पुरानी हो चुकी हो। और ससुर जी, आप कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ने को चाहिए। इस तरह से कोसने के कारण आलोक नाथ की आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन के बाद से सभी बिना कुछ बोले बासी खाना खाते हैं, मगर एक दिन अचानक प्रिया बेहोश होकर गिर जाती है। प्रिया बहू, क्या हो गया तुझे, आंखें खोल तो सही। अजी सुनते हो, आरव डॉक्टर को फोन लगा। खबर सुनकर कविता भी लौट आती है, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए मैंने टेस्ट कर लिए, कई दिनों से बासी खाना खाने के चलते इनकी हेल्थ कंडीशन खराब हो गई है और शरीर में कमजोरी आ गई है। इन्हें खाने में ताजा और पौष्टिक खाना देना होगा, और जूस फ्रूट भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद से तो जैसे प्रिया के पूरे ससुराल वाले उसकी खातरदारी में लग जाते हैं। देवरानी जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, पी लीजिए। कविता बहू, रात के खाने में प्रिया बहू के लिए आलू के पराठे बनाना, वो भी देसी घी में, इसको बहुत भाते हैं ना बहू। कविता और चंचल दोनों मिलकर प्रिया के पसंद के आलू के पराठे बनाती हैं और निर्मला उसे अपने हाथों से खिलाती है। ये लो प्रिया बहू, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओ। फिर जैसे ही प्रिया अपनी सास के हाथ से खाने का एक निवाला खाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और टप टप आंसू गिरने लगते हैं। मैंने अपने ससुराल वालों की शराफत का बहुत गलत फायदा उठाया है, हर रोज उन्हें बस बासी खाना ही खिलाती रही, और ये बेचारे भी चुपचाप सिखाते रहे। पर मेरी जरा सी तबीयत क्या बिगड़ी, ये लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। इस घर की बहू होने के नाते मुझे भी तो इस घर की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए था। फिर अगले दिन प्रिया सबसे पहले घर में जल्दी उठकर अपने ससुराल वालों की मनपसंद का खाना बनाकर मेज पर लगाती है, और जब सभी मेज पर आते हैं तो वह खुश हो जाते हैं। माँ जी, बाऊजी, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। आप सभी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। देखिए मैंने क्या क्या बनाया है, छोले पूरी, राजमा चावल, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ। सब कुछ आपकी पसंद का है। निर्मला भराई आंखों से अपनी बहू का माथा चूमती है और आशीर्वाद भरा हाथ उसके सर पर रखती है। जुग जुग जीती रहो बहू, आखिर आज तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, और अब हम सभी बासी खाना खाने से भी बच गए माँ। सभी इस बात पर हंस देते हैं, जिसके बाद सभी साथ मिलकर बहू का बनाया ताजा खाना बड़ी खुशी से खाते हैं और उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। माँ, पता नहीं ये काली कलूटी बैंगल लूटी किचन में क्या कर रही है, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती। अरे ओ काली कलूटी करमजली, बना नहीं अभी तक तेरा नाश्ता? मेरी बेटी की भूख मर जाएगी तब लेकर आएगी क्या नाश्ता? बस लाई माँ। आरती जल्दी से मेज पर नाश्ता लगाती है, तभी गलती से पानी का ग्लास गिरकर टूट जाता है। इस मनहूस करमजली से एक भी काम ढंग से नहीं होता, किसी काम की नहीं है, न रूप है न गुण। अपनी माँ के दिए तानों से आरती की आंखें भर आती हैं। देखा माँ आपने, जरा सा बोल क्या दिया, महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे। चंचल बेटी, ये मनहूस जानबूझकर रोज रोज नुकसान करती है, पता नहीं किसका पाप है ये, तभी तो इसकी माँ ने जन्म देते ही इसको मरने के लिए बीच रास्ते पर छोड़ दिया था।
वो तो तेरे पिता इसे कचरे से उठाकर घर ले आए। ये सुनकर आरती को बड़ा धक्का लगता है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है, मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं है तू मेरी बेटी, यही सच है। आरती रोते हुए अपने पिता के पास आती है और डबडबाई आंखों से अपने पिता की ओर देखकर पूछती है, पिताजी आपको आपकी इस बदनसीब अभागिन बेटी की सौगंध है, सच बताइए क्या मैं आपकी बेटी नहीं? बेटी बेटी क्या हो गया है तुझे, अचानक से ऐसे सवाल क्यों कर रही है? मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं? नहीं आरती, तू मेरी बेटी नहीं। तू मुझे बुरी हालत में कचरे के ढेर में मिली थी, मगर अपने पिता का यकीन मान, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरी बच्ची। जैसे मेरे लिए चंचल है, वैसे ही तू भी है। माँ ने मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, इसलिए बचपन से लेकर आज तक वह और चंचल मुझसे नफरत करती आ रही है। इसी तरह से वक्त बीतता है। फिर एक दिन आरती जब पूरे घर में पोछा लगा रही होती है, तभी चंचल बाहर से कीचड़ में सनी सैंडल पहने अंदर आकर पूरा फर्श गंदा कर देती है। ये क्या बहन, मैंने इतनी मेहनत से अभी पूरे घर में पोछा लगाया था और तुमने अपनी सैंडल से पूरा घर गंदा कर दिया। हाँ तो ये घर मेरा है और तेरी औकात यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की है, और खबरदार जो अपनी काली भद्दी जुबान से मुझे बहन कहा। तो इतना सब बोलकर चंचल अपनी सैंडल से आरती का हाथ भी कुचल देती है। आह माँ, मेरा हाथ। आरती के साथ ये सब होता देखकर आलोक नाथ को बहुत बुरा लगता है। कितने साल बीत गए आरती को इस घर में लाए, मगर आज भी रमा और चंचल के मन में इस बेचारी के लिए बस नफरत ही भरी है। अगर आरती पर इतने अत्याचार होते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। अब मैं आरती के लिए कोई अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी कर दूंगा, ताकि मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी को और दुख न झेलना पड़े। इसी सोच के साथ आलोकनाथ अपनी काली बेटी के लिए रिश्ते देखने लगता है। शुरुआत से बहुत से लड़के वाले आरती का काला रंग देखकर रिश्ते से मना कर देते और हर रिश्ता टूट जाता, मगर फिर निर्मला अपने दोनों बेटों आयुष और शुभ के साथ आलोकनाथ की दोनों बेटियों को देखने उनके घर आती है। आइए बहन जी, आइए, आपका स्वागत है। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं भाई साहब। चंचल, आरती बिटिया, वे लोग आ गए हैं, आ जाओ। रमा अपनी गोरी बेटी को महंगी सी साड़ी पहनाकर सजा धजा कर उसे ले आती है। वहीं आरती चाय नाश्ते की प्लेट लिए बाहर आती है और निर्मला के पैर छूती है। प्रणाम माँ जी। जीती रहो बेटी। आरती सभी को चाय नाश्ता परोसती है। उसकी सादगी देखकर शुभ उसे पसंद कर लेता है। लीजिए भाई साहब, मेरे शुभ को आरती पसंद है। आयुष, तुझे चंचल पसंद है? हाँ माँ, मुझे भी चंचल पसंद है। एक साथ आलोकनाथ की दोनों काली गोरी बेटियों का रिश्ता पक्का हो जाता है और थोड़े दिनों में शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं और दोनों के शादी का लहंगा भी ससुराल से आ जाता है। देखो माँ, सासू माँ ने मेरे लिए कितना सुंदर ब्राइडल लहंगा भेजा है। कैसे नहीं भेजती ऐसा लहंगा, अब मेरी बेटी भी तो लाखों में एक है, ना कि इस मनहूस की तरह काली कलूटी। फिर जैसे ही आरती बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा होता है, जिसे देखकर चंचल और रमा चिढ़ जाती हैं। दिस इज नॉट फेयर, गोरी और सुंदर बहू मैं हूं और मेरी सासू माँ ने सबसे महंगा ब्राइडल लहंगा इस दो कौड़ी की काली कलूटी को भेजा है। आरती बिटिया, कैसा है तेरी शादी का जोड़ा? बहुत ही सुंदर है पिताजी, मैं इसे रख कर आती हूँ। आरती जैसे ही अपना ब्राइडल लहंगा लेकर जाती है, चंचल गुस्से में कहती है, माँ अगर ये काली कलूटी इतना महंगा ब्राइडल लहंगा पहनेगी तो शादी वाले दिन मुझसे सुंदर लगेगी और फिर मैं इसके आगे पानी भरूंगी, सासू माँ और आयुष भी मुझे घास नहीं डालेंगे। अरे रे, तू क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची, मैं किसी भी चीज को तेरी खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी, फिर चाहे मुझे इस काली कलूटन के ब्राइडल लहंगे को फाड़ना पड़े या जलाना। आरती की खुशी से जलकर दोनों माँ बेटी सो जाने के बाद दबे पांव उसके कमरे में आती हैं। माँ जल्दी करो और इस काली चुड़ैल के जागने से पहले कैंची से इस ब्राइडल लहंगे को काट दो। हाँ हाँ, बस एक मिनट चंचल बेटी।
दोनों माँ बेटी के खुसुर फुसुर की आवाज सुनकर कमरे के बाहर से गुजर रहे आलोकनाथ कहते हैं, आरती बिटिया के कमरे से कैसी आवाज आ रही है? कहीं शादी ब्याह के घर में कोई चोर तो नहीं घुसाया? देखता हूँ। अंदर जाकर आलोकनाथ देखते हैं कि रमा के हाथों में धारदार कैंची है और वह आरती के ब्राइडल लहंगे को काटने वाली है। रमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिंदगी भर तो तुम दोनों माँ बेटी ने इस पर अत्याचार किए और आज इस बेचारी की थोड़ी सी खुशियां भी तुम दोनों माँ बेटी से देखी नहीं जा रही। चलो यहाँ से। आलोकनाथ की झड़पने पर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अगले दिन आरती और चंचल को शादी की हल्दी और मेहंदी लगती है। रमा अपनी गोरी बेटी के तन पर हल्दी लगाती है। माँ, आप मुझे इतनी सारी हल्दी क्यों लगा रही हो? चंचल बेटी, ये शादी की हल्दी है, जितना लगाएगी उतना रंग चढ़ेगा और तेरा गोरा रंग और खिलेगा। तभी आरती भराई आंखों से उम्मीद लगाकर कहती है, माँ आज मेरी भी हल्दी है, मुझे भी हल्दी लगा दो, कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। है, मैं तुझ मनहूस को हल्दी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि तूने मेरी बेटी की खुशियां छीनी। आज तो तेरी इतनी धूमधाम से शादी हो रही है ना, ये मेरी बच्ची के हिस्से की खुशी है, वरना तो तू आज किसी फुटपाथ या रोड पर भीख मांग रही होती। रमा, कैसी माँ हो तुम? जिंदगी भर तो तुमने आरती को माँ का प्यार दिया नहीं, कम से कम उसे मुस्कुराकर इस घर से विदा तो कर दो, उसका दुख क्यों नहीं दिखता तुम्हें? हाँ, नहीं दिखता उसका दुख, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं। जाने किसका पाप है जो मेरी बेटी की खुशी छीनने आ गई। आज अगर ये ना होती तो इस मनहूस के बदले ये महंगा ब्राइडल लहंगा मेरी बेटी चंचल के लिए आता। ये सुनकर आरती रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। विधि लिखने वाले विधाता, आखिर किस कलम से तूने मुझ बदकिस्मत की किस्मत लिखी है, जिसमें अपनों का प्यार नहीं, जन्म देते तूने मुझसे मेरी माँ छीन ली। मैंने हमेशा रमा माँ को ही अपनी माँ माना है, फिर क्यों उन्हें मुझसे इतनी नफरत है? तभी मौका देखकर चंचल उसके कमरे के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देती है और बाहर से कमरे की कुंडी लगा देती है। जितना रोना है जी भर के रोले मेरी काली बहन, क्योंकि आज मेरे लगाए आग में तेरी शादी के जोड़े के साथ साथ तू भी जल जाएगी और तेरी डोली की जगह अर्थी उठेगी। जलन और द्वेष में आकर चंचल अपनी काली बहन के ब्राइडल लहंगे को ही नहीं बल्कि उसकी शुरू होने वाली खुशियों भरी जिंदगी को भी आग में झोंक देती है। मगर कहते हैं ना, अक्सर आग लगाने वाला खुद भी उसमें जल जाता है। जैसे ही चंचल वहां से भागने के लिए पैर बढ़ाती है, उसके पैर में सरिये से चोट लग जाती है। आग तेजी से फैलने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहां फंस गई हूं। ये तो चंचल की आवाज है। आग, ये कमरे में आग कैसे लगी? जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आरती अपनी शादी का ब्राइडल लहंगा आग में जलने से बचाकर दरवाजा तोड़कर बाहर आती है, जहां चंचल बेहोश पड़ी थी। चंचल मेरी बहन, आंखें खोल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आरती की जिस बहन ने उसको आग के दरिया में डुबोया था, वह उसको बचा कर ले आती है, जिसे देखकर रमा की आंखों में पछतावे के आंसू भर आते हैं। आरती, अपनी माँ को माफ कर दे, आज तक बहुत नाइंसाफी की है ना मैंने तेरे साथ, तुझे जिंदगी भर कोसती रही, तेरी माँ नहीं बन सकी। मत रो माँ, आज बस अपनी इस बदनसीब बेटी के सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखकर विदा कर दो माँ। रमा ममता से भर कर अपनी काली बेटी को वही ब्राइडल लहंगा पहनाकर उसे दुल्हन बनाकर शादी के मंडप में लाती है। थोड़ी देर में दोनों की शादी हो जाती है और रमा अपनी दोनों काली गोरी बेटी को खुशी खुशी विदा करती है।